गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू आर फिटिंग फाइन एंड सी वेल फ्रॉम होम सो यस्टरडे वी हैव डन ई की मात्रा के शब्द हमने क्या लिखा था हमने कल ई की मात्रा के शब्द किए थे ई की मात्रा के शब्द में पहले हमने रीडिंग की थी फिर हमने आपकी वर्कबुक फोर में वो शब्द लिखे थे तो आज भी हम वैसे ही करेंगे सबसे पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे और फिर से हम वो शब्द लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से अपनी बुक ओपन करिए स्वर ज्ञान, आप अपनी ज्ञान बुक ओपन कीजिए पेज नंबर फिफ्टीन वन फाइव फिफ्टीन पेज नंबर फिफ्टीन वन फाइव फिफ्टीन पेज नंबर फिफ्टीन ई की मात्रा ई की मात्रा के ये शब्द हैं घड़ा को बड़ी की मात्रा घड़ी आपने सबने मेरे साथ साथ पढ़ना है रीड करना है मेरे साथ साथ आपको एक एक वर्ड ठीक है मुझे पता चला है कल कुछ बच्चों ने रीड नहीं किया तो आज आप सब मेरे साथ रीड करेंगे और मैं फिर पूछूंगी आप सबसे खर, बड़ी की मात्रा खड़ी न बड़ी की मात्रा ल आ की मात्रा नीला प बड़ी की मात्रा पी, पी ला त, को आ की मात्रा पीला आ की मात्रा ता ल, ला को बड़ी की मात्रा ताली मा म मा की मात्रा ल ल को बड़ी की मात्रा माली त त को बड़ी की मात्रा तीर खा ख को बड़ी की मात्रा र खीर दा द को बड़े द द की मात्रा द द को बड़ी की मात्रा दादी हा हा को आ की मात्रा हा थ, था को बड़ी की मात्रा हाथी ग र रा को बड़ी की मात्रा ब गरीब आप अच्छे से पढ़ रहे हैं ना मेरे साथ अच्छे से पढ़ना है आपको बेटा रीडिंग करने से सबसे ज्यादा समझ में आता है तो हमें सबसे पहले रीडिंग करनी होती है अ मा को बड़ी की मात्रा र अमीर फ का का को बड़ी की मात्रा र फकीर आ को आ की मात्रा ल साको बड़ी की मात्रा आलसी ला आ की मात्रा ल, च, की मात्रा, ल च, चा को बड़ी की मात्रा लालची प स साको बड़ी की मात्रा न ना, नाकुआ की मात्रा पसीना अब देखो इसमें छोटी की मात्रा भी है और बड़ी की मात्रा तो इसको कैसे पढ़ेंगे क का को छोटी की मात्रा की ना नाकुआ की मात्रा रा, रा को बड़ी की मात्रा की नारी इसमें हमारी तीनों मात्रा आती हैं छोटी की भी बड़ी की भी और आ की भी कि नारी भ भा, भा को छोटी की मात्रा ख खा को आ की मात्रा रा, रा को बड़ी की मात्रा भिखारी इसमें भी हमारी तीनों मात्रा आ रही है को, -रा, रा को, आ सा। को बड़ी की मात्रा उसकी आ की मात्रा स को बड़ी की मात्रा चपरासी आ की मात्रा र आ की मात्रा न और नाग को बड़ी की मात्रा महारानी महारानी प फिर से पा पा को बड़ी की मात्रा त आ की मात्रा पपीता अब आपने देखा हमें पहले हमारे पास दो अक्षर वाले मात्रा वाले शब्द थे फिर तीन अक्षर वाले हो गए अब यहाँ पर चार अक्षर वाले है ना तो श शा, शा को छोटी की मात्रा का, का को बड़ी का को आ की मात्रा रा, रा को बड़ी की मात्रा ये आपने ध्यान देना देखो इसमें भी छोटी मात्रा भी है छोटी की बड़ी की भी और इसमें हमारी आ की मात्रा भी है तो कैसे पढ़ेंगे शिकारी शिकारी स सा को छोटी की मात्रा प प को आ की मात्रा ह हा, हा को बड़ी की मात्रा सिपाही का का को बड़ी की मात्रा चढ़ की, चड़, की चड़। अब देखो यहाँ पे मछली की जल की रानी कितना पानी इतना पानी उतना पानी ये वाली जो है ये आप रीड करेंगे ये आपका होमवर्क है आपने पूरा पेज ही आपने अच्छे से रीड करना है क्लियर है स्टूडेंट्स अब आप ओपन कीजिए अपनी आप ओपन करेंगे आपकी वर्कबुक फोर हिंदी वर्कबुक फोर पेज नंबर फोर्टी सिक्स पेज नंबर फोर्टी सिक्स आप यहां पर डेट लिखेंगे रहा? अब हम यहां पे लिखेंगे पहला शब्द त तक छोटी की मात्रा त ला, को बड़ी की मात्रा तितली क्या लिखेंगे यहाँ पे हम तितली सुंदर सुंदर लिखना है आप सबको प हा हाकुआ की मात्रा ड बड़ी की मात्रा पहाड़ी देखो प हाकुआ की मात्रा को बड़ी की मात्रा पहाड़ी जा, जा को बड़ी की मात्रा व न जीवन बड़ी की मात्रा व न जीवन, जीवन। क हा, हा आ की मात्रा न न को बड़ी की मात्रा कहानी क हा, हा आ की मात्रा ना ना को बड़ी की मात्रा कहानी अब देखो यहाँ पे चार अक्षर वाली मात्रा आ गई चार अक्षर पर द, दा को बड़ी की मात्रा प प की मात्रा व ल, 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 को बड़ी की मात्रा दीपावली दीपावली सबको पता है किसको कहते हैं दिवाली को दी दा को बड़ी की मात्रा प व ला लाख बड़ी की मात्रा दीपावली अब राखुआ रा की मात्रा ज ध धाकुआ की मात्रा न ना को बड़ी की मात्रा राजधानी राजधानी राखुआ की मात्रा ज धाकुआ की मात्रा न ना को बड़ी की मात्रा राजधानी प पा, को छोटी की मात्रा च पिच का काको आक की मात्रा को बड़ी की मात्रा पिच कारी प पा, छोटी की मात्रा चाको आक की मात्रा को बड़ी की मात्रा पिच कारी अब यहाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव अक्षर आ गए हमारे अब हमें कैसे लिखना है देखो ना, ना को बड़ी की मात्रा ल नील कम नील कमल कैसे लिखेंगे ना, ना को बड़ी की मात्रा नी ल ल क, म, ल नील कमल क्लियर है नील कमल स्टूडेंट्स so आज हमने ये क्लास वर्क किया है अब आपने ये लाइन होमवर्क में करनी है लेकिन होमवर्क करते करते आपको इसको रीड करना है रीड करके ही हमें हर शब्द को लिखना है आप हर शब्द जब लिखेंगे यहाँ पे तितली तो आप पढ़ पढ़ के लिखेंगे जैसे त ता को छोटी की मात्रा त ला, ला को बड़ी की मात्रा तित्ते ली ऐसे ही आप रीड करके सारे शब्द लिखेंगे इससे आपको जल्दी रीड करना आ जाएगा है ना तो आप अच्छे से करना बेटा आप अपना काम बहुत अच्छे से और बहुत साफ सुथरा मतलब नीटली वर्क करना है आपको क्लियर सो थैंक यू हैव अ नाइस डे